तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जिस मोमेंट का इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो चीज़ आ गई है, वो चीज़ फाइनल हो चुकी है। देखो, डंकी इस साल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी है। सिर्फ इस साल की नहीं, ये पिछले साल से भी मोस्ट मच अवेटेड मूवी है। जब इसका टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था पिछले साल राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान का, तो लोग उसी टाइम बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने इस साल की शुरुआत कितनी भयंकर तरीके से करी है। पठान से स्टार्टिंग करी सीधा 1000 करोड़, जबकि बॉलीवुड की कोई मूवी अभी तक 1000 करोड़ टच कर ही नहीं पाई थी। मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन फ्रॉम ओवरसीज, मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन इन सिंगल लैंग्वेज हिंदी आल्सो। उसके बाद सेम रुझान हमें जवान में देखने को मिला। देखो, जवान में ऐसा लग रहा था कि यार जैसे पठान ने कंप्लीट कराई कराए हैं, जवान में तो ये मूवी कंप्लीट कर ही रहेगी। बज था, बहुत हाई बज था, हाई बड़ी भयंकर थी इस मूवी के लिए। लेकिन सबको ये पता था कि मूवी इजिली 1000 करोड़ टच कर जाएगी, और इस मूवी ने 1150 करोड़ कंप्लीट भी कर लिया, और बाय गॉड कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई है। अब सबकी नज़र है डंकी पर, क्योंकि यहाँ पर ये मूवी बहुत ज़्यादा बज खा के बैठी पड़ी, बहुत ज़्यादा हाइप सेट करके बैठी पड़ी, क्योंकि इसमें शाहरुख खान तो हैं ही हैं, जिनका ब्रांडिंग इन्होंने इतनी ज़बरदस्त सेट करी है, पठान से लेकर जवान से लेकर। उसके बाद जो नाम जोड़ा है ना, राजकुमार हिरानी, भाई यहाँ से होने वाली है तबाही, और ये तबाही बाय गॉड देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। मतलब छोटा से छोटे पोस्टर में ही इतनी बड़ी हाइप सेट हो जा रही है, ऑसम। तो टीजर के लिए बड़ी मांग चलाई जा रही थी कि टीजर कब आएगा। सबने प्रिडिक्शंस ये बैठा के रखी थी, शाहरुख खान का बर्थडे जो 2 नवंबर को होता है, जो कल है, तो यहाँ पर हमें टीजर देखने को मिल जाएगा, और सब यही प्रिडिक्ट कर रहे थे। और यस, सबको पता ही यही था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पठान के टाइम पर अगर हम चलते हैं तो पठान का जब टीजर रिलीज हुआ था 2 नवंबर को रिलीज हुआ था, और यस, ये सीधा साफ एक सिंपल प्रिडिक्शन था और जो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। जी हाँ दोस्तों, 2 नवंबर को फर्स्ट टीजर आएगा। फर्स्ट टीजर मतलब सेकंड टीजर भी आने वाला है। यस, 2 टीजर आएंगे एंड एक फाइनल ट्रेलर। तो सेकंड टीजर क्या होगा? सेकंड टीजर देखो कुछ नहीं होगा, जवान के टाइम पे जो नई चीज रिलीज करी थी ना, टीजर देन प्रीव्यू देन फाइनल ट्रेलर, वैसा ही माहौल हमें देखने को मिलने वाला है। भाई साहब, शाहरुख खान ने नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उनका एक्सपेरिमेंट बाय गॉड सफल भी होते नजर आ रहा है। तो जो 2 नवंबर को फर्स्ट टीजर आएगा उसके बारे में बात करते हैं। इसकी लेंथ होगी 58 सेकेंड की, तो बहुत छोटी लेंथ है एक बार के लिए देखा जाए, क्योंकि एनिमल हो गई, अभी बहुत सी मूवीज आई थी उनके टीजर हो गए, तो उनके टीजर की लेंथ बहुत लंबी लंबी थी, 1.5 मिनट से ऊपर की थी। इवन अगर टाइगर 3 के टीजर देखें तो उसकी ही लेंथ लगभग 1.5 मिनट से ऊपर की थी। तो डंकी के टीजर, फर्स्ट टीजर की इतनी कम लेंथ क्यों है? देखो, सिंपल सा है, यहाँ पर मेकर्स बहुत हाइप सेट करना चाहते हैं, जनता को और ज़्यादा एक्साइटेड करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी उनके मन में ज़बरदस्त सेट करना चाहते हैं। देखो, 58 सेकंड के टीजर में हमें सिर्फ यहाँ पर शाहरुख खान का इंट्रो देखने को मिल सकता है, और वहाँ से एक चीज़ हमें सॉलिड क्लियर होने वाली है, जो बहुत सी प्रिडिक्शन ये लगाई जा रही हैं कि ये रीमेक है। यस, रीमेक है, लेकिन इसमें और भी नया क्या देखने को मिलने वाला है, मतलब मूवी में एक्चुअल क्या होने वाला है, उसका फर्स्ट इंट्रो हमें यहाँ से को मिल जाएगा। तो भाई सेकंड टीजर कब आएगा उसके लिए फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, सेकंड टीजर की लेंथ है 1 मिनट 39 सेकंड या फिर 48 सेकंड के आसपास, इतना ही है जो सेकंड टीजर आने वाला है, जो एक टाइप से प्रीव्यू ही होगा, मतलब एक अनाउंसमेंट ट्रेलर होगा, और जो फाइनल ट्रेलर आएगा वो मूवी के अराउंड 8 से 10 दिन पहले ही आएगा। तो भाई सब टीजर के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत वेट है, बहुत लंबे समय से वेट हो ही रहा था, और अब वो दिन आ ही गया है, तो कल को हमें टीजर मिल जाएगा। और इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है? वैसे देखा जाए तो पठान के टाइम पर हमें लगभग 10:30 के आसपास या फिर 11 बजे के आसपास हमें टीजर देखने को मिल गया था, तो हो सकता है डंकी का भी टीजर हमें इसी टाइम के आसपास देखने को मिल जाए। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, क्या ये टीजर कितने बजे देखने को मिल जाएगा, और जिस टीजर के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड थे वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाने कि आप लोग वाकई में कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, शाहरुख खान की इस जबरदस्त मूवी के लिए, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का ये कॉम्बो देखने के लिए, एंड फाइनल इस टीजर के लिए। नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।